नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में जिले के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के निर्धारित बजट को कहां कहां खर्च किया जाए, इस पर गहनता से अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। उधम सिंह नगर जिले के लिए 44,79,00,000 का बजट रखा गया है। बैठक से पहले कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के बेटे अंकुर पांडे के आकस्मिक निधन और पूर्व कैबिनेट मंत्री के निधन पर 2 मिनट का मौन रखते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि जिला योजना के तहत होने वाले विकास कार्यों का लाभ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए। रुद्रपुर से शाहनूर की रिपोर्ट। प्रदेश में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग अब हाईटेक वाहनों को इंटरसेप्टर के जरिए तेज रफ्तार वाहनों पर नजर रखेगा। परिवहन विभाग इन दिनों हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन का परीक्षण कर रहा है। वहीं देहरादून सहित पहाड़ी जनपदों में भी तेज रफ्तार वाहनों पर निगरानी रखी जाएगी। तेज रफ्तार चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इससे दुर्घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिल पाएगी। देहरादून और मैदानी जिलों में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए मुख्यालय से कि इस तरह का प्रस्ताव था कि हम लोगों को भी इंटरसेप्टर दी जाए, जो ओवर स्पीड के कारण दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। तो उसके लिए हमें एक इंटरसेप्टर देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए भी मिली है और यहाँ पे अब उस पर उसके द्वारा जो भी स्पीड लिमिट की कार्रवाई है और जो भी उसके और जो फंक्शन है, वो आज टीम आई है दिल्ली से जो हम लोगों को ट्रेंड कर रही है। इसके उपरांत जो भी ट्रेनिंग मिलेगी और उसमें जो जो इन उसमें लगे हैं इंस्ट्रूमेंट, उनके थ्रू हम प्रवर्तन की कार्यवाही करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का रुकेंगे। यहाँ पर ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में चल रही विकास कार्यों की योजनाएं तेजी पकड़ रही हैं, जिसके चलते NH-74 के विस्तार में जमीन अधिग्रहण के प्रति कर निर्धारण में आ रही दिक्कतों को किच्छा विधायक राजेश शुक्ला के अथक प्रयासों से सरकार ने स्पष्ट शासनादेश जारी कर दिया है, जिससे ऑर्बिटेशन में लंबित वादों का निस्तारण करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। शासनादेश में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शहरी क्षेत्र यानी नगर निकाय क्षेत्र की जमीनों को बाजार भाव का 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों को बाजार भाव का 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इस शासनादेश को जारी होने के बाद किसानों और अन्य के मुआवजा संबंधित प्रकरणों का निस्तारण होगा और लोगों को करोड़ों का फायदा मिलेगा। साथ ही अधूरे पड़े NH-74 का कार्य भी तेजी से पूरा होगा। विधायक शुक्ला ने अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में NH के विस्तारीकरण में भूमि अधिग्रहण में देरी का कारण भी स्पष्ट किया। रुद्रपुर से शाहनूर की रिपोर्ट। अपने पति और पारिवारिक मित्रों के साथ जा रही एक NRI युवती ने एक युवक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए पहले तो आरोपी युवक की जमकर क्लास ली और बाद में अपने पति के पारिवारिक मित्रों के साथ आपा खोते हुए आरोपी युवक पर हमला कर दिया। इस दौरान NRI युवती ने आरोपी युवक के गाल पर चाटा भी रसीदा, जिस दौरान रुद्रपुर के गाबा चौक पर ये हंगामा हो रहा था, उसी दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस और शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। फिलहाल सोशल मीडिया पर NRI महिला के हंगामे की ये पूरी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। रुद्रपुर से शाहनूर की रिपोर्ट। मेरे साथ उत्तराखंड लाइव में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।